ये आप देखो भाई, ये रॉबरी हुई, चुनौती हुई गोली के दम पे। जहाँ पे पोस्ट पे हमें उठाया गया है ना, मंजर था ना, उसको देख के तो काफी ज्यादा डरे हुए थे यार। कमांडर की इनकी जो गाड़ी है, उनकी गाड़ी में हम बैठे हुए हैं। आपको बिलीव नहीं हो रहा होगा। गुड मॉर्निंग गाइज एंड वेलकम बैक टू अनदर न्यू ब्लॉग फ्रॉम हेरात अफगानिस्तान। आज हम निकलने वाले थे यहाँ से अपनी अगली कंट्री के लिए, बट कुछ ऐसी चीज़ें हो गई हैं मेरे होस्ट के साथ। लास्ट के वीडियो मैंने आपको बताया था कि काफ़ी बड़ी रॉबरी हुई, चुनौती हुई, गोली के दम पे लोगों को लूटा गया यहाँ पे, जो खासकर मेरे होस्ट हैं। तो वापस से दो दिन के बाद GPS ट्रैकिंग वगैरह होने के बाद गाड़ी, सामान, मोबाइल, वो सारा कुछ हमें मिल चुका है यार। तो उसी चीज़ को तालिबान जो हैं उन्होंने पकड़ लिया हुआ है, और उसके लिए उन्होंने हमें बुलाया हुआ है पुलिस स्टेशन। तो चलते हैं तालिबान के चेक पोस्ट पे और देखते हैं कि भाई चोर को उन्होंने पकड़ा है कि नहीं पकड़ा है, सामान हमें मिलेगा हमारा या नहीं मिलेगा। अब देखते हैं कि वो क्या करेंगे वैसे, क्योंकि यहाँ पे बोला जाता है ना कि तालिबान का जब से राज है, जो भी चोरी करता है उसका हाथ काट दिया जाता है, और जो बंदा किसी को मारता है तो जो बंदा मारा गया है उसके भाई को अधिकार है वो जाके क्रिमिनल वाले बंदे को गोली मार सकता है बिना किसी रूल नियम कानून के। तो ये सारी चीज़ें यार नहीं हैं तालिबान के राज में। तो अब हम वो एक्सपीरियंस करने जा रहे हैं, अब देखते हैं कि क्या क्या होने वाला है। तो यार अभी ये कार में आ गए हैं क्योंकि बाइक तो हमारी छीनी जा चुकी है। यार अभी भी मुझे इस बात पे यकीन नहीं हो रहा था जब शाह भाई हमें ये चीज़ बता रहे थे ना, तो मुझे थोड़ी देर के लिए लगा कि शायद ये हमसे मजाक कर रहे हैं। अकेले ट्रैवल किए, कुछ हमारे साथ नहीं हुआ, भगवान करे यार सही सलामत हम इस कंट्री से निकल जाएं। और वैसे भी आज हमें निकलना था, तो आज लास्ट डे या सेकेंड लास्ट डे ऑफ अफगानिस्तान आप बोल सकते हो। तो ये सारी चीज़ें हुई हैं। अब आप ये देखिए, ये अभी जस्ट पुलिस यहाँ पर जा रही है, सामने गाड़ी आप देख रहे हो। तो ये सारे इस तरह से सोल्जर कमांडर हर जगह आपको जाते हुए दिख जाएंगे। तो भाई अब इसी से आप अंदाजा लगा, मैं आपको बोला था ना कि हर 500 मीटर पे, हर 2 मिनट 5 मिनट में इस तरह से आपको तालिबान के कमांडर, पुलिस, जो यहाँ की आर्मी है, ट्रैफिक पुलिस, हर जगह मौजूद है। बट फिर भी इस तरह से इंसिडेंट होना, ये थोड़ी सी बात हजम हो ही नहीं यार। भैया पहुंच गए हैं यहाँ पे। ये देखिए गाड़ियाँ वगैरह खड़ी हुई हैं, ये है इनका कंट्रोल पोस्ट, चेक पोस्ट। हिंदुस्तान, हिंदुस्तान, मुंबई। तो ये वो सारे लोग हैं यार जिन्होंने इस बाइक को खोजा, और ये देखिए बाइक मिलने की खुशी हमारे दोस्त को कितनी अच्छी लग रही है। ये आप देख सकते हो, ये इनकी CG 125 CDI वाली बाइक थी बेरंग की, ये काफ़ी अच्छा है। और ये सारे लोग जिन्होंने इनको ढूंढ के लाया हुआ, आप देख सकते हो। तो ये आप देखिए, ये है यहाँ के तालिबान के सारे जो पुलिस कमांडर हैं उनकी गाड़ी है, और पूरा ग्रीन कलर का है हर जगह, आप देख सकते हो किस तरीके से है। बाइक काफ़ी बड़ी है, फोर्ड की गाड़ी है, यानी 4x4, ये सारा कुछ हिसाब किताब है आप देख सकते हो। और ये सारे कमांडर यहाँ पे हैं, सारे लोग, ये सारे लोग अभी देखिए खड़े हुए हैं। तो ये बोल रहे हैं कि अब आप डर रहे हो, इससे अच्छा है कि हम आपको डायरेक्ट जहाँ भी आपको जाना है हम आपको रेस्क्यू करेंगे, हम आपको गाड़ी में बैठाएंगे सेफली, जहाँ भी आपको जाना है हम आपको उतारेंगे, और ये पूरा हेरात शहर आपको घुमाएंगे। ओह माय गॉड, ये आप देखो भाई, हमारे पास कमांडो भी आ गए हैं गन वगैरह लेके हमारी सेफ्टी के लिए। और ये देखो गन लेके हमारे सेफ्टी के लिए कमांडो वगैरह बैठे हुए हैं यहाँ पे। तो भाई ये एक्सपीरियंस आई थिंक लाइफ में मैंने सपने में भी नहीं सोचा, आई थिंक कोई नहीं सोचेगा, और सपने में आई थिंक आपको सोचना भी नहीं चाहिए, मैं ऐसा ही बोल सकता हूँ। बट इनके साथ इस तरह से लाइफ, आप सोचिए तालिबान के गाड़ी में, कमांडर की इनकी जो गाड़ी है उनकी गाड़ी में हम बैठे हुए हैं। और ये है वो चेक पोस्ट, ये देखिए तालिबान का फ्लैग, और ये सारे लोग यहाँ पे, जो हमारी बाइक खोई थी ना, बाइक, पैसा, मोबाइल, वो सारी चीज़ें इन्होंने ढूंढ लिया। और इनके चेहरे पे मुस्कुराहट देखिए, उसी से आपको देख के अंदाज़ा आ रहा होगा कि ये कितना खुश हैं कि इन्होंने पकड़ा हुआ। और अब हमें ये बोल रहे हैं कि आप जितना भी आपके अंदर डर है ना, वो डर हम आपका ख़त्म करने वाले हैं। ये हम आप लोड है, लोड भाई, हम आ जाते हैं। और भाई ये ऑलरेडी चेक पोस्ट हमने छोड़ दिया हुआ है, अब ये कहाँ तक लेके जाएंगे हमें नहीं पता। विशाल देखो भाई कितना मुस्कुरा रहा है, हैप्पी है यहाँ पे। हमारे जो होस्ट हैं शाह भाई इधर बैठे हुए हैं, थोड़ा सा हवा भी आ रहा होगा गाइस, तो वॉइस को आप कंट्रोल कर लीजिएगा।
आपका नाम क्या है भाई? अब्दुल मजीद। अब्दुल मजीद, ये तो आप तालिबान के कमांडर भाई? तालिबान हो या मुजाहिद है ना भाई? ओ मुजाहिद तालिबान कमांडर। ये इस मेंबर। अच्छा, तो ये गाड़ी अभी गन लोड है ना, फायर तो नहीं करेंगे हमें? इन इंग्लिश टेल मी। या या ही विल नॉट फायर मी ना। नो नो भाई, फायर नहीं करेंगे भाई। ना ना नो नो, फॉर माय सेफ्टी, फॉर माय प्रोटेक्शन। तो आप ये सोचिए गाइस कि हमारी प्रोटेक्शन, मतलब इस तरह से खुलेआम एक तालिबान के गाड़ी के अंदर और जो तालिबान के मुजाहिदीन के कमांडर हैं उनके साथ हम बैठे हुए हैं यार। और ये है पूरा हेरात शहर का आउटस्कर्ट। गाइस ये आप देखिए, ये अभी लोड है, खाली नहीं है भाई, ये लोड है रियल में। मैं चाहूँ तो इस पर भी कितने फायर दाग सकता हूँ, आपको बिलीव नहीं हो रहा होगा। बट इस तरह से आप देखिए कि हम खुली गाड़ी में बैठे हुए हैं, हमारे साथ ये मुजाहिदीन तालिबान के कमांडर हैं और ये गन है इनकी। सजा देने का जो तरीका है यहाँ पे वो इनके तरफ से है, जो इनका अपना लॉ एंड ऑर्डर है उसको ये लोग फॉलो करते हैं। कुछ भी होगा ये आपको ढूंढ के लाके वापस करने वाले। आई थिंक आज के दिन से हमें यही समझने को आया है जो हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं अपना खुद। भाई हवा काफ़ी आ रही है, फिर भी आप बोलो तो मैं फायर कर देता हूँ। फायर करूँ? तो यार ये बोल रहे हैं कि अफगानिस्तान में क्या कोई दिक्कत है, कोई मुश्किलात है? तो मैंने इनको बोला यार कि पहला दिन जो हमारा था अफगानिस्तान में एंट्री करते वक्त, जो पहला मंजर था ना उसको देख के तो काफ़ी ज़्यादा डरे हुए थे यार। बट यहाँ पे तो आपको कोई भी मिल जाएगा। बट आई थिंक ये जितने ऑफिशियल लोग हैं यहाँ के, यानी ये सारे लोग, वो सेफ्टी हमारी देख रहे हैं। स्मॉल टाउन। ओके, स्मॉल टाउन। अरे बाप रे ब्रदर। तो भाई देख रहे हो, एक से एक चेक पोस्ट को हम क्रॉस कर रहे हैं। मतलब वाकई ऐसा लग रहा है कि हमें कहीं स्पेशल जगह पे लेके जाया जा रहा है। तो अपनी लाइफ में भी इस तरह का एक्सपीरियंस तो मैंने सोचा नहीं था यार कि कभी अफगानिस्तान जाऊंगा। ड्राइवर चेंज भी हो गए भाई, ये देखो दूसरे ड्राइवर साहब जो गाड़ी चला रहे थे वो बंदूक लेके आए हैं और अब ये बैठेंगे इधर। पता नहीं क्यों ड्राइवर चेंज हो गए हैं भाई, समझ नहीं आ रहा। कुछ कुछ अजीब अजीब सी चीज़ें हो रही हैं यहाँ पे अफगानिस्तान में। माशाल्लाह, इनकी मुस्कुराहट देखिए भाई साहब। अब देखिए ये मेन कमांडर, जहाँ पे पोस्ट पे हमें उठाया गया है ना, उस पोस्ट के मेन कमांडर हैं और वहाँ से ये अभी बोले कि हम आपको लेके चल रहे थे। उन्होंने एक्चुअली एक्सेप्ट किया और बोला नहीं आप डरो नहीं, बिल्कुल भी मत डरो, आपको जहाँ भी जाना है हम आपको ले जाके छोड़ेंगे। तो आप सोचिए कि ऑलमोस्ट 13-14 दिन गाइस हमने अफगानिस्तान में ट्रैवल किया और इस तरह से हमें एक हाई प्रोटेक्शन के साथ हमें ये पूरा शहर घुमा रहे हैं, हमें ले जा रहे हैं, बोल रहे हैं कि आपको जहाँ भी जाना है आप आराम से चलिए। साफ़ सुथरा है, ऐसा लग रहा है कि काफ़ी प्रोटेक्टेड एरिया है। मतलब चारों तरफ आप देखिए ग्रीनरी है, बढ़िया आराम से यहाँ पे गार्डनिंग, फूल पौधा वगैरह उन्होंने लगाया हुआ है, लाइट वगैरह का सिस्टम अलग। तो जो ये हेरात का मेन गेट था उसके बाहर का ये नेबरहुड है। तो आप हिंदी नहीं बोल पाते थोड़ा बहुत? पश्तो या दारी? पश्तो। 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 ये मेन कमांडर है यहाँ के? चीफ कमांडर। अच्छा, चीफ कमांडर है आप। और कितने साल से हैं आप यहाँ पे? तो 15 साल से हैं ये तालिबान में। ओके ओके। अच्छा, यहाँ पे तालिबान की ये पगड़ी हमेशा ऐसे होती है साफा? ये लोग ऐसे पहनते हैं और ये इनका ड्रेस ऐसा होता है? अच्छा, और ये मतलब ये साफा पगड़ी या कुछ लोग वो वाली टोपी, गोली वाली टोपी होती है? अच्छा, बढ़िया। कितना फायर किया है, कितना फायर? ढेर। बहुत ढेर, बहुत ढेर। बाप रे भाई, ये बोल रहे हैं कितना फायर किया कि इनको खुद याद नहीं है कि कितनी गोलियां इन्होंने चलाई हुई है। अरे बाप, भाई एक गाड़ी इधर से जा रही है तो दो गाड़ी उधर से गूंज रही है।
मतलब चारों तरफ हर जगह रोड पे आपको इस तरह से तालिबान की गाड़ियां दिख जाएंगी। बहुत बढ़िया, घूम के आए वहाँ तक? शुक्रिया शुक्रिया। अरे नहीं नहीं, शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया, बहुत मनाना। तो थैंक यू थैंक यू। दो दिन में आपने गाड़ी ढूंढ ली एकदम, दो दिन में बहुत बड़ी बात है। कोई मुश्किल नहीं है, हम जो मेहनत कर रहे हैं अल्लाह के लिए, मिलत के लिए, आवाम के लिए, जिन चीज़ों से हम जो आवाम खिलाते इंशाल्लाह तो नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, आवाम वो तो चले, चोरी डकैती दहशत गर्दी टारगेट किलर इंशाल्लाह तो सब हम लोगों ने खत्म किया, और भी हमारी कोशिश जारी है इंशाल्लाह, कोई मुश्किल नहीं होगा, कोई मुश्किल नहीं है। बढ़िया, बहुत बढ़िया, अच्छा लगा, थैंक यू। हम लोग एज ए मुसाफिर यहाँ पे घूम रहे थे अफगानिस्तान में, हमने उम्मीद नहीं करी थी कि हमें इतना सिक्योरिटी मिलेगी, इतना लोग हमारे मेहमान हो। मुसाफिर क्या, हमारे मेहमान हो आप लोग, इंशाल्लाह रोक खा सकते हो। कैन गो लाइक वेयर? ओके 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 ओके, थैंक यू थैंक यू मनाना, थैंक यू मनाना, महमूद जी से खलास, खुदा हाफिज़। और नहीं है तो ये है वो चेक पोस्ट यानी हेरात का मेन गेट जहाँ पे हम आए हुए थे यार। तो भाई गाड़ी मिल गई, सामान मिल गया, पैसे मिल गए, मोबाइल मिल गया, और यहाँ पे जो कमांडर लोग हैं उन लोगों ने सारा सामान जो ये हमारे होस्ट शाह भाई का था ना उनको वापस कर दिया, और जो कैदी हैं यानी जो मुजरिम उनको यहाँ से जेल में दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया गया है। और वो लोग भाई हमें चाय के लिए पूछ रहे हैं, बोल रहे हैं आपको कहीं और जाना है, कहीं और घूमना है, तो हम आपको ले के चल के घुमाएंगे अच्छे तरीके से। तो हमने बोला नहीं भाई हमें लेट हो रहा है, तो अब हमें शायद यहाँ से जाना चाहिए, तो देखते हैं। एक्सपीरियंस तो काफ़ी यूनिक रहा, काफ़ी अच्छा रहा। और ये एक्चुअली इस तरह से ना यहाँ पे अलग अलग गेट है, बंकर बने हुए हैं, आप देखिए सेफ्टी वगैरह के लिए, इस तरह से यहाँ पे ना ये जाल वगैरह बना के उसमें ईंट बालू पत्थर से पूरा बंकर बनाते हैं ताकि कोई भी अगर गोली वगैरह चलाए तो उसमें अंदर रहे। बाकी ये छोटी सी टैक्सी है, तो बीच में ही लेट्स गो। कैसे हैं भाईजान? भाई एक्सपीरियंस तो काफ़ी यूनिक रहा। और अभी भी हम ये देखिए कंट्रोल पोस्ट जो है इनका चेक पोस्ट, ये हेरात का मेन गेट, वहीं पे हम लोग हैं। तो ये सारे लोग जितने भी यहाँ के ऑफिसर थे भाई काफ़ी अच्छे से हमसे बात किए, सामान वगैरह जो था वो वापस कर दिया गया, बाकी लोगों को मैंने आपको बताया कि कहीं और भेज दिया गया। तो अच्छा है, अभी भी वो लोग बोल रहे हैं आप लंच करके जाओ, चाय पी के जाओ, ये सारा कुछ हमें वो करने की कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल हमें लेट हो रहा है, तो यार यहाँ से वापस अब हम जा रहे हैं अपने होस्ट साहब भाई के घर पे। अब देखते हैं अभी यहाँ से आगे का प्लान क्या होने वाला, मैं आपको बाद में अपडेट करूँगा। यहाँ पे हर इंसान का एक अलग हेयर स्टाइल होता है, आप देख सकते हैं भाई का हेयर स्टाइल अलग है, ये भाई जान का हेयर स्टाइल अलग है, इन्होंने दूसरी टोपी पहनी हुई है, और हमारे जो होस्ट हैं देखिए इनका हेयर स्टाइल अलग है, इनका हेयर स्टाइल अलग है, विशाल का हेयर स्टाइल अलग है, मेरा तो हेयर स्टाइल ही नहीं दिख रहा, क्योंकि मैं जब से आया हूँ यार ये पकोल मुझे इतना अच्छा लगने लगा ना कि आप मुझे देख रहे होंगे, तीन कपड़े मैंने अफगानी सिलवा लिए, सिलवाए क्या वो तो रेडीमेड खरीद लिया था, तो ये ब्लैक ब्लू और एक सरदार वाला, तो ये तीन ड्रेस और ये मेरी पकोल, हमेशा अफगानिस्तान में मैं जब से आया हूँ तब से मैं यही पहन के घूमता हूँ यार। ये है हेरात शहर का बाजार एरिया यार, आप देख सकते हो यहाँ पे लोग सामान वगैरह खरीदारी वगैरह कर रहे हैं यहाँ पे लोकल तरीके से। तो यार गाइस ये था आज का वीडियो, आई होप आपको पसंद जरूर आया होगा। तो हम लोग वापस से अपने होस्ट शाह भाई के घर पे आ चुके हैं, और ये वीडियो मेरा आखिरी वीडियो होने वाला है गाइस अफगानिस्तान सीरीज का, यानी लास्ट वीडियो अफगानिस्तान।
बट एक और दो वीडियो आपको और भी मैं अफगानिस्तान सीरीज से शेयर करने वाला हूँ, जिसमें कुछ एक्सक्लूसिव बातें आप सबके साथ मैं शेयर करूँगा। तो आई होप इस वीडियो को आपने काफ़ी पसंद किया होगा। जैसा भी आपको ये वीडियो लगा प्लीज़ अपना फीडबैक नीचे कमेंट में जाकर जरूर शेयर करिए। लाइव स्टेटस के लिए आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। प्लीज़ यार चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो तो आप देख लेते हो बट सब्सक्राइब तो करते नहीं हो। ऑल नोटिफिकेशन का जो बेल आइकन है उसको आप जरूर प्रेस करिएगा। प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए। उसके लिए आप इस वीडियो को ज़्यादा फैमिली फ्रेंड्स रिलेटिव्स के साथ फेसबुक व्हाट्सअप इंस्टाग्राम पे हर जगह शेयर कर सकते हैं, मुझे एक सपोर्ट मिल सकता है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक मुस्कुराते रहिए, आबाद रहिए और यूं ही ट्रैवल करते रहिए पूरा सेंट्रल एशिया, फिलहाल अफगानिस्तान कंट्री। सी यू समवेयर ऑन द नेक्स्ट अफगानिस्तान और किसी और कंट्री के रोड। बाय बाय, टेक केयर।